जय माता जी हुकुम खमा घणी जय श्री राम। मैं डॉक्टर उत्तम सिंह चिराना आप सभी हुकुम का स्वागत करता हूँ आपके अपने ऐतिहासिक चैनल चिराना फोर्ट में। चिराना फोर्ट में हम पढ़ रहे हैं भारत का राजपूत इतिहास वंश श्रृंखला, और वंश श्रृंखला में सूर्यवंश। पिछले वीडियो में हमने 250वीं पीढ़ी में महाराज खियूंफाल तक पढ़ा था। आज हम आगे के पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराज खियूंपाल के पुत्र खेतपाल 291वीं पीढ़ी में राजा बने। महाराज खेतपाल के पुत्र शिरेपाल 252वीं पीढ़ी में राजा बने। महाराज श्रीपाल के पुत्र बहनपाल द्वितीय 253वीं पीढ़ी में राजा बने। बहनपाल नाम से इसी वंश में पहले भी एक राजा हो चुके हैं। महाराज बहनपाल के पुत्र नृसिंहपाल 254वीं पीढ़ी में राजा बने। और महाराज नृसिंहपाल के पुत्र विजयपाल तृतीय 255वीं पीढ़ी में राजा बने। विजयपाल नाम से पहले इसी वंश में दो राजा और हो चुके हैं। महाराज विजयपाल तृतीय के पुत्र भंवरपाल 256वीं पीढ़ी में राजा बने। और महाराज भंवरपाल के पुत्र नाहरपाल 257वीं पीढ़ी में राजा बने। महाराज नाहरपाल के पुत्र बिशलपाल 298वीं पीढ़ी में राजा बने। महाराज बिशलपाल के पुत्र कुंतलपाल 259वीं पीढ़ी में राजा बने। महाराज कुंतलपाल के पुत्र उदयपाल 260वीं पीढ़ी में राजा बने। और महाराज उदयपाल के पुत्र कुंवरपाल 261वीं पीढ़ी में राजा बने। जय हिंद, जय भारत।